हाय गाइस, मैं हूं गीत और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम? या शायद आप खुद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आप वंडर कर रहे हो कि क्या ये सफल होगा कि नहीं। आज हम इस टॉपिक को इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने पे मजबूर कर देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आज के ज़माने में बहुत कॉमन हो गए हैं। टेक्नोलॉजी के कारण हम कहीं भी रह के इन कॉन्टैक्ट रह सकते हैं, लेकिन क्या ये कनेक्शन रियल है? क्या ये प्यार का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? इन सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक हिडन डेंजर के बारे में बताना चाहती हूँ जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में हो सकता है। ये है आसानी से रोमांटिक बातें करना बिना किसी रियल इन्वेस्टमेंट के। सोचो, अगर कोई आपके पास रहता है और कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस बात पे एक्शन लें। आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको डेट्स पे ले जाएं, या फिर आपके साथ फ्यूचर प्लान्स बनाएं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई भी ये सब कुछ कह सकता है बिना कुछ किए। वो कह सकते हैं, तुम कितने स्पेशल हो, हम साथ में कितने अच्छे होंगे, लेकिन अफसोस तुम तो बहुत दूर रहते हो। ये तो रोमियो जूलियट जैसा सिनेरियो है। और फिर कुछ नहीं करेंगे, ना कोई रियल एफर्ट, ना कोई कॉन्क्रीट प्लान्स। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि वन, आप इन मीठी मीठी बातों में फंस सकते हैं अपने आस पास के रियल कनेक्शन को इग्नोर करते हुए। टू, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सिर्फ एक वर्चुअल लेवल पे एग्जिस्टेंट है, रियल लाइफ में नहीं। थ्री, आप अपना टाइम और इमोशंस ऐसे इंसान पे वेस्ट कर सकते हैं जो सिर्फ बातें बनाना जानता है, एक्शन लेना नहीं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग, खासकर यंग एडल्ट्स, इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो महीनों सालों तक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जो उन्हें रियल हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, सिर्फ एक फॉल्स होप दे रहा है। तो सवाल ये है, कैसे पता करें कि हमारा पार्टनर सीरियस है या सिर्फ बातें बना रहा है? मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस बताऊंगी जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। वन, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या एक्शन लेता, क्या सैक्रिफाइसेस करता, क्या एफर्ट्स डालता। ये क्वेश्चन आपको आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव से सोचने पे मजबूर करेगा। अगर आप फील करेंगे ना कि आप ज्यादा कुछ करते जो आपका पार्टनर नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। टू, क्या वो वही कर रहे हैं जो वो कहते हैं, या उनके एक्शंस और वर्ड्स में बहुत फर्क है? रिमेम्बर, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपका पार्टनर सिर्फ बातें बना रहा है लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं ले रहा है, तो ये भी एक कंसर्न वाली बात है। थ्री, क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स अलाइन करते हैं? क्या हम दोनों इस रिलेशनशिप को सेम डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टनर्स के गोल्स एक जैसे हों, मिलते हों। अगर एक सेटल होना चाहता है और दूसरा भी फ्री रहना चाहता है, तो वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और क्या वो अपनी लाइफ में मेरे लिए स्पेस बना रहे हैं? ये सिर्फ फिजिकल स्पेस के बारे में नहीं है। क्या वो आपको अपने डिसीजंस में इंक्लूड करते हैं? क्या वो अपने फ्यूचर प्लान्स में आपको कंसिडर करते हैं? याद रखिए कि जब कोई आपको रीजंस देता है ना कि वो आपसे मिलने क्यों नहीं आ सकते, या अपना स्केड्यूल क्यों नहीं क्लियर कर सकते, हो सकता है कि वो रीजंस आपको लॉजिकल लगें, लेकिन आपको ऑकम्स रेजर प्रिंसिपल याद रखना चाहिए। दो एक्सप्लेनेशंस में से जो सिंपल है, ज्यादा चांसेस है कि वो सही एक्सप्लेनेशन है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि वो अभी इतना कमिटेड नहीं है जितना आप हैं। ज्यादा लाइकली है कि ये सच हो, बजाय उस कॉम्प्लिकेटेड रीजन का जो उनके जेन्युइन रीजंस हैं कि वो नहीं आ सकते आपसे मिलना। लेकिन याद रखिए कि हर सिचुएशन अलग होती है। कभी कभी लोग सच में डिफिकल्ट सिचुएशंस में, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पार्टनर से ओपनली बात कीजिए और उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या सब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स वेस्ट ऑफ टाइम है? बिल्कुल नहीं। बहुत से सक्सेसफुल कपल्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस से शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए कि ये चीज इनहेरेंटली डिफिकल्ट है। उसके लिए बड़े मेजर्स लेने पड़ते हैं। आपको ये देखना होगा, वन, क्या आपका पार्टनर विलिंग है बड़े मेजर्स लेने के लिए? ये मेजर्स डिफरेंट हो सकते हैं, रेगुलर विजिट्स, मूविंग क्लोजर टू ईच अदर, या फिर करियर डिसीजंस दैट ब्रिंग यू क्लोजर together. Two, क्या आप खुद विलिंग हैं बड़े मेजर्स लेने के लिए? ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। क्या आप इस रिलेशनशिप के लिए सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हैं? थ्री, क्या आप दोनों के पास एक सॉलिड प्लान है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में एक एंड गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप दोनों जानते हो कि आप कब और कैसे साथ में आएंगे? फोर,
क्या आप दोनों रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की लाइफलाइन है. सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है. और हाँ, कभी कभी ये भी सोचो, क्या आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये आपको किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? क्या ये आपकी लोनलीनेस या आपकी डिससेटिस्फैक्शन से ध्यान हटाने का तरीका है? अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या दोनों पार्टनर्स इक्वल एफर्ट्स डाल रहे हैं? याद रखिए कि इक्वल एफर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि दोनों पार्टनर्स एग्जैक्टली सेम चीजें करें. हो सकता है कि कभी कभी एक पार्टनर को ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़े, लेकिन क्या वो सैक्रिफाइसेस वेलकम हैं? क्या दूसरा पार्टनर उन सैक्रिफाइसेस को रिकॉग्नाइज करता है? क्या दोनों के इंटेंशन सेम हैं चाहे एक्शंस डिफरेंट हो? इक्वल एफर्ट्स के कुछ एग्जांपल्स. One, अगर एक पार्टनर ज्यादा ट्रैवल कर रहा है मिलने के लिए, तो क्या दूसरा पार्टनर घर पे प्रेपरेशंस कर रहा है? Two, अगर एक पार्टनर अपनी जॉब छोड़ रहा है रिलोकेशन के लिए, तो क्या दूसरा पार्टनर उसके करियर में उसकी हेल्प कर रहा है? Three, अगर एक पार्टनर टाइम जोन एडजस्ट कर रहा है रेगुलर कॉल्स के लिए, तो क्या दूसरा पार्टनर भी अपना स्केड्यूल एडजस्ट कर रहा है? याद रखिए कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है. अगर एक पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा सिर्फ ले रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा. दोस्तों, याद रखिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स मुश्किल होती हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं. और अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, तो आप बेटर जज कर पाएंगे कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं. प्यार इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्शंस और इंटेंशंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं. अपने पार्टनर के एक्शंस को देखिए, उनके इंटेंशंस को समझिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए. और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या सोच है. क्या आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? मैं गीत, आपकी होस्ट, साइनिंग ऑफ. याद रखिए कि डिस्टेंस सिर्फ एक नंबर है, लेकिन एफर्ट रियल होना चाहिए. अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करिए, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक अपना और अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए.